हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं छः और सात नंबर पैर के लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है फ्रेंड्स ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है इस जुराब को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बॉटम पर इसका एंड होता है तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर सी जुराब कैसे बनाई गई है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई तीन तार वाली ऊन ली है जिसमें ये तीन धागे अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने दस नंबर की सिलाई यूज की है जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 48 यानी 48 फंदे फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं ज़्यादा टाइट हाथ से जब हम फंदे डालते हैं तो ये किनारी बहुत टाइट हो जाती है और फिर यहाँ से पहनते टाइम दिक्कत होती है इसलिए हल्के लूज हाथ से फंदे डालिए फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए आप इसमें दस सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लीजिए आप अगर तीन प्लाई वाली ऊन से बना रहे हो तो आप इसमें ये फोर्टी एट फंदे डाल लीजिए और अगर आपकी ऊन नॉर्मल है जो कि सिंगल धागे वाली है तो आप इसमें 52 फंदे डाल लीजिए तो सेम साइज़ की आपकी जुराब बनके तैयार हो जाएगी तो ये देखिए 10 सिलाइयों में हमारे पास ये पांच लाइनें आ गई हैं एक दो तीन चार और ये पांच। इस तरह से 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के फिर इसमें हम ये जाली से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारे पास हैं यहाँ पर 48 यानी 48 फंदे अड़तालीस में से हम यहाँ पर देखिएगा उन्नीस फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह और ये उन्नीस तो देखिए उन्नीस फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए अब तीन तार वाली ऊन में तो आपको उन्नीस फंदे बनाने हैं और अगर आपकी सिंगल धागे वाली ऊन होगी तो आप यहाँ पर इक्कीस फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए बीच का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा तो देखिए धागा अपनी तरफ रहे एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो दो जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया तो तीन जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके चार धागा अपनी तरफ करके पाँच फिर धागा अपनी तरफ ले आइए छः फिर धागा अपनी तरफ सात फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया आठ धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया नौ और धागा अपनी तरफ करके ये फंदा हमने सीधा बनाया दस फंदे हमने सीधे बनाए उन्नीस फंदे उल्टे बना के हमने जाली डालना शुरू किया अब धागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर करें जाली डाल देंगे तो ये ग्यारहवा फंदा जाली से बढ़ गया अब ये आगे हमारे उन्नीस फंदे बचे हुए हैं इनको आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बना दीजिए और फिर उल्टी साइड से इसकी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे बहुत ही आसान है तो इन उन्नीस फंदों को उल्टा बना के फिर उल्टी तरफ से भी सिलाई को उल्टा बुन के कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है चाहे हमारे जाली से बड़े हुए फंदे हैं चाहे दूसरे सभी फंदों को उल्टा बुन लिया अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर ये जो हमारे 19 फंदे हैं स्टार्टिंग के इनको हम उल्टा बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस तो देखिए उन्नीस बंदे हमने ये उल्टे बना लिए अब हम धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे। ग्यारह फंदे हमने जाली से बढ़ाए थे दस फंदों के साथ में तो बीच में अब हमारे इक्कीस फंदे सीधे बुने जाएंगे तो देखिए धागा पीछे कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 18, उन्नीस बीस और ये वाला जाली का फंदा इक्कीस तो इक्कीस फंदे हमने बीच में सीधे बनाए अब ये आगे हमारे उन्नीस फंदे हैं धागा अपनी तरफ करके इनको आप उल्टा बुन लीजिए फिर उल्टी साइड से आप सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को उल्टा बना लिया है तो यहाँ पर एक बार जाली से फंदे बढ़ गए हैं और ये हमारी यहाँ पर बॉर्डर के बाद चार सिलाइयाँ बन गई हैं अब हमें क्या करना है छः सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी हैं सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को उल्टा बुनना है तो उससे हमारी देखिए ये तीन लाइनें आ जाएंगी एक दो और ये तीन तो अब आप इन सभी फंदों को सीधी साइड से भी उल्टा बनाइए उल्टी साइड से भी उल्टा छह सिलाइया बना के और फिर इसमें हम इस तरह से ये जाली से फंदे बढ़ाएंगे तो मैं इसकी छह सिलाइया उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ये छह सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं छह सिलाइयों में हमारे पास ये तीन लाइने आ गई हैं एक दो और ये तीन अब इसमें हम फिर से ये जाली डालकर फंदे बढ़ाएंगे तो जाली डालने के लिए हमें अपने उन्नीस फंदों को पहले उल्टा बनाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह अठारह उन्नीस तो ये उन्नीस बंदे हमने अपने उल्टे बना लिए अब देखिए पहली बार जब हमने इसमें जाली डाली थी तो 10 फंदों पर जाली डाली थी जिससे हमारे 11 फंदे जाली से बढ़ गए थे यानी अब 21 फंदों पर जाली डालेंगे 21 फंदों पर जब जाली आ जाएगी तो यहाँ हमारे आगे 19 फंदे बच जाएंगे तो देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फिर धागा अपनी तरफ करके दो फिर से धागा अपनी तरफ तीन धागा अपनी तरफ चार धागा अपनी तरफ करेंगे पाँच ये देखिए छ और ये सात हर बार आपको धागा अपनी तरफ ले आना है और फंदे को सीधा बनाना है आठ नौ दस और ये ग्यारह बारह तेरह फिर धागा अपनी तरफ ये देखिए चौदह धागा अपनी तरफ पंद्रह फिर धागा अपनी तरफ सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये इक्कीस देखिए हमने इक्कीस फंदों पर जाली डाल दी है अब ये आगे हमारे उन्नीस फंदे इसमें बच गए हैं अब हम क्या करेंगे धागा अपनी तरफ करके लपेट कर यहाँ एक जाली डाल देंगे और आगे के 19 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे तो अब इन फंदों को मैं जो हमारे 19 फंदे आगे बच गए हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ उल्टी साइड से फिर हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के हम उल्टी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे दूसरी बार जाली से फंदे बड़े हैं तो मैं अब ये सीधी साइड की और उल्टी साइड की दोनों सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर ये जो हमारे 19 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे बीच में जो हमारे जाली से फंदे बड़े हैं और जो हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे लास्ट के 19 फंदों को हम फिर से उल्टा बनाएंगे उल्टी साइड से हमारी सिलाई बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी तो ये दूसरी बार हमने जो जाली डाल के फंदे बढ़ाए फिर हमारी यहाँ पर चार सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी जैसे हमारी यहाँ पर हुई थी तो अब मैं यहाँ उन्नीस उल्टे बीच के सीधे लास्ट के उन्नीस उल्टे बना लेती हूँ और उल्टी साइड की सिलाई को कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए सीधी साइड की सिलाई और उल्टी साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है तो दूसरी बार जाली से फंदे बढ़ गए और ये चार सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई अब इसमें हम आठ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे पहले हमने यहाँ पर ये एक बार जाली से फंदे बढ़ाकर छः सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई तो तीन लाइनें आ गई अब दूसरी बार जाली से फंदे बढ़ा के इन चार सिलाइयों को पूरा करके अब हम इसमें आठ सिलाइयाँ उल्टी, उल्टी उल्टी बुनेंगे तो आठ सिलाइयों में देखिए हमारी ये चार लाइनें आ जाएंगी उसके बाद हम तीसरी बार इसमें जाली से सेम तरीके से फंदे बढ़ाएंगे वही उन्नीस फंदे हम उल्टे बनाएंगे उसके बाद बीच के जो फंदे हैं उन पर हम ऐसे ही धागा अपनी तरफ करके फंदे को सीधा बनाते हुए जाली डालेंगे और लास्ट के 19 फंदे हम उल्टे बना लेंगे अगर आप ये जुराब छः और सात नंबर पैर के लिए बना रही हैं तो बिल्कुल तीसरी बार जैसे मैंने बताया सेम तरीके से फंदे बढ़ाने हैं लेकिन अगर आप इसको पाँच नंबर से बढ़ाना चाहती हैं तो आपको क्या करना होगा पच्चीस फंदे बना के जाली डालना शुरू कीजिए और लास्ट में पच्चीस फंदों को उल्टा बुन लीजिए तो यहाँ फिर ये यह फंदे कम हो जाएंगे और पाँच नंबर पैर में फिट आ जाएगी तो अब इसमें देखिए मैं यहाँ तक का पार्ट बना लेती हूँ आप इसे ध्यान से देख लीजिए हम यहाँ तक बना चुके हैं अब हम आठ सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे जिससे हमारे पास चार लाइनें आ जाएंगी उसके बाद फिर हम तीसरी बार जाली से फंदे बढ़ाएंगे 19 फंदे उल्टे बना के धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हुए जाली डालेंगे और लास्ट में उन्नीस फंदे से पहले लपेट कर जाली डालेंगे और फिर उन्नीस फंदे उल्टे उल्टी साइड की सिलाई उल्टी फिर सीधी साइड पर 19 फंदे उल्टे बीच के फंदे सीधे लास्ट के 19 फंदे उल्टे उल्टी साइड की सिलाई उल्टी उसके बाद इसमें हम दस लाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे जिससे हमारे पास ये पांच लाइनें आ जाएंगी तो यहाँ तक का पार्ट हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये उंगली और अंगूठे के लिए और इसका जो पैर का नीचे का तला है ये हम बनाएंगे तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया ऐसे जाली डालते हुए यहाँ तक के पार्ट को आप बनाइए तो अब मैं इसे यहाँ तक कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने तीसरी बार फंदे बढ़ा के और यहाँ पर ये दस सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं जिससे हमारे, है। तो तो हमारे पास ये पांच लाइनें आ गई हैं पहली बार हमने जाली से फंदे बढ़ाए तो छः सिलाइयाँ उल्टी बनाई तो हमारी तीन लाइनें आ गई दूसरी बार फंदे बढ़ाए तो हमने आठ सिलाइयाँ उल्टी बनाई तो हमारी चार लाइनें आ गई तीसरी बार हमने फंदे बढ़ाए तो दस सिलाइयाँ उल्टी बनाई जिससे हमारे पास ये पाँच लाइनें आ गई हैं तो जुराब हमारी यहाँ तक बनके तैयार हो गई है अब हम इसके अंगूठे और उंगली वाला पार्ट बुनेंगे दोनों जुराब बिल्कुल एक जैसी बनती हैं इस जुराब को लेफ्ट या राइट किसी भी पैर में पहनिए, दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है ये जो हमारे बीच में जाली से फंदे हमने बढ़ाए तो टोटल फंदे हमने डाले थे यहाँ पर 48 तीन बार जाली से फंदे बढ़ाने पर अब मेरे पास यहाँ पर 125 यानी 125 फंदे इसमें हो गए हैं अब हमें 125 फंदों को देखिए आधे पार्ट में एक साइड का बनेगा और आधे में एक साइड का बनेगा तो यहाँ पर जब हम इनको हाफ हाफ करते हैं तो एक साइड पर हमारे 63 यानी यानि फंदे हो जाते हैं दूसरी साइड पर हमारे 62 यानी यानि बासठ फंदे हो जाते हैं तो एक फंदा एक साइड पे कम आएगा तो मैंने ये बीच में मार्कर लगा दिया है इस साइड पर हमारे 63 फंदे हैं इस साइड पर हमारे 62 यानी यानि बासठ फंदे एक फंदे से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है तो इस तरह से हमने बीच में मार्कर लगाया है अब ये जो हमारे मार्कर लगाया हुआ यहाँ तक 63 फंदे हैं इसमें से अब हम 48 फंदों को उल्टा, उल्टा उल्टा बुनेंगे और आगे 15 फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस और ये बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस और ये अड़तालीस तो देखिए 48 यानी 48 एट फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं अब हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह तो देखिए मार्कर से इधर हमारे सिक्सटी थ्री फंदे सिक्सटी थ्री में से हमने अड़तालीस फंदों को उल्टा बनाया धागा पीछे करके फिर पंद्रह फंदों को हमने सीधा बुना मार्कर को हम हटा देंगे क्योंकि हम पहले एक साइड का पार्ट बुनेंगे फिर दूसरी साइड का बुनेंगे अब उल्टी साइड से आप सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए फिर आ जाइए सीधी साइड पर यहां से यहां तक के 48 फंदों को आप उल्टा बुनिए फिर 15 फंदे सीधे बनाइए ऐसे करते हुए इसमें हमें सोलह सिलाइया बनानी हैं तो सोलह में से देखिए हमारी एक सिलाई तो बन गई है अभी पंद्रह और बनेंगी सीधी साइड से उल्टी साइड से सीधी साइड से उल्टी साइड से ऐसे करते हुए आप इसमें सोलह सिलाइया बनाइए बनाना ऐसे ही है अड़तालीस फंदे उल्टे पंद्रह फंदे सीधे जब आपकी सोलह सिलाइया कंप्लीट हो जाए तो सत्तरवीं सिलाई पर हल्के लूज हाथ से सभी फंदों को आप बाइंड ऑफ कर दीजिए तो एक साइड का पार्ट बन जाएगा फिर आप यहां पर अपने ऊन को बांध लीजिए पंद्रह फंदे आप यहां पर धागा पीछे करके सीधे बनाइए फिर सैंतालीस यानी फोर्टी सेवन फंदे आपके बचेंगे उनको आप उल्टा बुन दीजिए धागा अपनी तरफ करके फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी और सीधी साइड पर आओगे तो पंद्रह फंदे सीधे फोर्टी सेवन फंदे उल्टे यहां भी आपको सोलह सिलाइया ही बुननी है सोलह सिलाइयों में देखिए जैसे अब यहां से ये वाली लाइने तो आपकी दस लाइनें दस सिलाइयों की पाँच लाइनें अलग होंगी जैसे ये वाली हैं देखिए ऐसे दिखेगा उसके बाद ये जो हमारे सीधे फंदे बुने गए हैं यहाँ से ये देखिए यहाँ आपकी हाफ लाइन ये कटोरी है ये उल्टे ये सीधे ये आठ लाइनें आपकी हो जाएंगी ऐसे आप गिन सकते हो उसके बाद फंदों को बंद कीजिए तो अब बहुत ही आसान तरीके से आगे के पार्ट बच गए हैं इनको जैसे मैंने बताया है ऐसे तरीके से आप बुन लीजिए फिर मैं आपको इस जुराब की सिलाई करना बताती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये जुराब बनके कंप्लीट हो गई है दोनों साइड के इसके पार्ट हमारे बन गए हैं तो अब आप, आप देख सकते हो ये जो हमने पंद्रह फंदे सीधे सीधे बनाए इसमें हमारे अंगूठे और उंगली के पार्ट बनेंगे और इधर हमारे फंदे जो उल्टे थे उसमें हमारी ये आठ लाइनें आई हैं सोलह सोलह सिलाइयाँ हमने दोनों साइड पर बनाई हैं आप इसे काउंट कर लीजिए देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ जब हमने सीधी साइड से फंदों को बंद किया तो ये हमारी एक लाइन और आ जाती तो सोलह सिलाइयों के बाद सत्तरवीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को हमने बंद किया है अब हम इस जुराब की सिलाई करेंगे तो देखिए सिलाई करने का बहुत ही आसान तरीका है तो ये देखिए सिलाई करने के लिए हम क्या करेंगे जब हमने इस पार्ट को देखिए सीधी साइड से यहाँ से बाइंड ऑफ करना शुरू किया तो हम यहाँ पर आए थे इस वाले पार्ट में हमने यहाँ से बाइंड ऑफ करना शुरू किया तो हम यहाँ पर गए तो इधर वाला धागा अभी हमारा ये वाला है और ये हमने थोड़ा सा लंबा काट लिया इतना कि ये जो हमारे दोनों साइड के पार्ट हैं ये सिल जाएँ अब हम इसको देखिए ऐसे पकड़ेंगे ये जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे मिला लेंगे देखिए इस सीधे हिस्से का ये कोना और इसका ये कोना जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा तो इससे अब हम यहाँ से और यहाँ तक बारीक बारिक, -बारिक टाँके लगा कर इसकी सिलाई करेंगे तो सुई में मैंने इस धागे को डाल लिया है अब देखिए यहाँ से हम इसको सीलना शुरू करेंगे टाँके यहाँ पर बहुत ही बारीक तरीके से लगेंगे मोटी सिलाई यहाँ पर नहीं होगी ऐसे करके ये देखिएगा ऐसे ले लीजिएगा और ऐसे आप इस साइड की सिलाई इस तरह से बारिक बारिक टाँके लगा करके और यहाँ तक कीजिएगा जब यहाँ तक सिलाई हो जाए तो इसी वाले धागे से फिर हमारा इधर वाली साइड का जो पार्ट है इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। ये ऐसे निकल आएगा और इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक सिल जाएगा फिर इसी धागे से यहाँ से यहाँ तक सिल जाएगा यहाँ पर धागे को पक्का करके आप काट दीजिए उसके बाद देखिएगा हमारा ये वाला पार्ट आएगा नीचे का सीधी या उल्टी किसी भी साइड से आप सिलाई कर सकते हो जैसे आपको आसान लगे यहाँ से लेकर और हम इसकी यहाँ तक की सिलाई कर देंगे ये वाली सिलाई यहाँ तक की होगी इस वाले जो पार्ट की है बैक ये वाली है जो हमारी बैक साइड आएगी इसकी सिलाई हम ऊपर से करना शुरू करेंगे तो यहाँ से अगर आपका धागा हो तो वही वाला डाल लीजिए नहीं तो एक एक्स्ट्रा ले लीजिए फिर हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको सील लेंगे एक इंच पे हमें एडी की गोलाई करनी है तो अब मैं ये इसके उंगली और अंगूठे का पार्ट सिल लेती हूँ नीचे का तला फिर यहाँ ऊपर से लेकर और यहाँ एक इंच की सिलाई रहने तक यहाँ तक सिल देती हूँ फिर मैं आपको इसकी एडी की गोलाई करना बताती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बैक साइड की सिलाई हो गई नीचे वाले पार्ट की और दोनों की इसकी अब ये हमारी एक इंच या एक, एक, एक इंच से एक आध पॉइंट ऊपर है अगर मैं आपको ये लाइनें गिन कर दिखाऊं तो ये नीचे से और यहाँ तक हमारी दस लाइनें बची हुई हैं। दस अः पांच हैं दस लाइयों में जो हमारी दस सिलाइयों में पाँच लाइन बनती हैं एक दो तीन चार और ये पाँच आप ये गिन लेना पाँच लाइन इधर से और पाँच लाइन इधर से तो दस दस सिलाइयों का पार्ट बचा हुआ है अब इसमें हम इस एडी की गोलाई करेंगे नहीं तो ये पीछे से ना इसकी चोंच सी निकल जाती है और जैसे अब देखो ये राउंड में आ गई है पीछे से और नहीं तो फिर ये पीछे की तरफ चोंच निकली हुई अच्छी नहीं लगती है जुराब में अब इसके देखिए कैसे सिलाई करेंगे इसको आप ऐसे पकड़ लीजिएगा और ये जो हमारी सुई है ये जो पाँच लाइनें हैं देखिए इनको आप ऐसे करके डालिएगा एक दो तीन चार और ये पाँच पाँच लाइनें इधर की आ गई इसको हम सुई में डाल लेंगे फिर ये नीचे ए डी की जो सिलाई है इस वाले पार्ट को भी आप थोड़ा थोड़ा करके और ऐसे करके इस सुई में डाल लीजिएगा ऐसे डाल लेंगे अभी ये हमारा नीचे वाला पार्ट ही हम डाल रहे हैं फिर इधर की जो आपकी पांच लाइनें हैं उसको आप ऐसे करके इसमें डाल लीजिए और ये देखिए पांच इधर की डल गई पांच इधर की और ये राउंड में और इसको अब बिल्कुल टाइट खींच दीजिए जितना टाइट आप खींच सकते हो उतना टाइट इसे खींच लीजिए तो यहाँ से ये बंद हो गया है अब इसको हम एक दो बार और सुई को यहाँ पर निकाल लेंगे और इसको पक्का कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये बिल्कुल सही हो गया तो अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई के बाद आप जुराब को देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है और ये जुराब पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है छः और सात नंबर की चप्पल या शूज़ जिसके पैर में आती हैं उसको ये आसानी से आ जाएगी वैसे ऊन होती है ऊन स्ट्रेचेबल होती है बड़े साइज में आराम से आ जाती है छोटे को थोड़ी सी लूज हो जाती है वैसे साइज़ प्रॉपर छ और सात नंबर पैर के लिए है इस जुराब को बनाने में मात्र सत्तर ग्राम ऊन लगी है अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू